नंबर 119 पर एग्जांपल नंबर 2 है, सॉल्व 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 व्हेन नंबर 1 x इज एन इंटीजर, नंबर 2 x इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले जो गिवन इनइक्वालिटी है इसको इनइक्वालिटी कह रहे हैं। गिवन इनइक्वालिटी इज 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। हमें क्या करना है, यहाँ से एक एक करके जो विदाउट x वाले नंबर हैं, x के बिना हैं, उन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये माइनस 3 है, माइनस 3 कब हटेगा, अगर इसमें 3 ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें हिंट ये मिला कि दोनों साइड 3 ऐड कर दें, जोड़ दें। तो आप लिखोगे एडिंग 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड 3 जोड़ने पर तो आपको क्या मिलेगा, 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 3x प्लस 1 प्लस 3। क्योंकि हमने पढ़ा है कि दोनों साइड अगर एक ही जैसी क्वांटिटी जोड़ दें तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। तो लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि माइनस 3 और 3 कट गए और यहाँ पर रह गया 5x लेस देन 3x प्लस 4। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से 3x को हटाना है, तो दोनों साइड से 3x को माइनस कर देते हैं। तो दूसरे स्टेप में लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, घटाना के लिए सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 3x घटा दें। एक जैसी चीज़ घटाने पर भी इनइक्वालिटी का चिन्ह साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से आएगा 5x माइनस 3x लेस देन 3x प्लस 4 माइनस 3x। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि 3x से 3x कैंसिल हो गया, अब आपके पास बाकी रह गया 5x माइनस 3x, तो ये हो गया 2x लेस देन 4। अब क्योंकि मुझे x चाहिए तो दोनों साइड में 2 से भाग कर देता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो अगर 2x को 2 से भाग दे दें और 4 को भी 2 से भाग दे दें, अब 2 जो है वो प्लस का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसीलिए अगर दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी से भाग दें तब भी इनइक्वालिटी का चिन्ह सेम रहता है, बदलता नहीं है, तो ये लेस ही रहेगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल गया x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है, लेकिन हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है कि अगर x इंटीजर हो तो क्या होगा। अब इंटीजर जो हैं वो ये सारे हैं आपके पास, ऐसे चलते जाएंगे 1, 2, 3, 4, ये सारे इंटीजर हैं। तो प्लस वाले हैं और माइनस वाले हैं, सभी इंटीजर हैं। मुझे चाहिए जो 2 से छोटे हैं, तो 2 ये है, तो 2 से छोटा इंटीजर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो भी इसके बाई साइड में होंगे वो 2 से छोटे होंगे। तो इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो मेरे पास आ गया, ये पीछे काफ़ी सारे हैं तो मैं यहाँ पे डॉट छोड़ देता हूँ। ये और भी ऐसे कई सारे हैं, -3, -2, -1, 0 और 1। 2 से छोटे चाहिए तो 2 को भी काउंट नहीं करेंगे, 2 को भी नहीं गिनेंगे, क्योंकि 2 तो 2 के बराबर है, 2 से छोटा नहीं है। तो ये सारा इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है। सेकेंड थिंग, x इज़ ए रियल नंबर, सेकेंड पार्ट में क्या आ गया, ये फर्स्ट पार्ट था कि अगर x क्या हो, x इज एन इंटीजर, सेकेंड पार्ट है x इज ए रियल नंबर। अगर x रियल नंबर हो तो ये पूरी ही नंबर लाइन है, और इस पूरी नंबर लाइन पे मुझे 2 से छोटे नंबर चाहिए और वो भी रियल। तो रियल नंबर
जो दो से छोटे हैं वो पूरे ही आ जाते हैं ये, इसके बीच में जितने भी नंबर हैं पॉइंटों में तो वो हर एक नंबर रियल है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपके पास 0.4 आ रहा है तो वो भी रियल है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपके पास -0.8 आ रहा है तो वो भी रियल है। अब रियल नंबर को हम इतने सारे हैं कि उनको कॉमास लगा के नहीं गिन सकते, तो इसके लिए हमें सिर्फ ये लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन सेट। अब यहाँ से आगे चले जाओ तो ये माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी, लेकिन जो माइनस में हो वहाँ से लेके दो तक, तो दो तक है, दो से छोटे हैं तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे बोल ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, इसका मतलब है दो से पहले पहले। अगर यहाँ पर ऐसे लेस देन और इक्वल टू होता टू तो हम इसका आंसर लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू टू, और यहाँ पर ये ऐसी ब्रैकेट डालते हैं, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं इसको, तो ये तब डालते हैं अगर टू को भी काउंट करना हो, दो को भी लेना हो, तो अगर दो को भी लेना हो तो यहाँ पर इक्वलिटी हो तो ऐसी ब्रैकेट डालेंगे, और अगर दो को ना लेना हो ऐसी हो तो उसके लिए गोल ब्रैकेट डाली जाती है, इसका मतलब दो से पहले पहले, और इसका मतलब दो या दो से पहले, दो या दो से पहले के लिए ये, और दो से पहले के लिए, दो से छोटे के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ये सिंबल यूज़ किया जाता है जिसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं और इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये इसका आंसर आता है।